अफगान बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, उससे पहले नजर डालेंगे जिले भर की सुर्खियों पर। बुधवार को नियमित जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर घमासान तेज हो गया है, जहां एक ओर भाजपा द्वारा जनपद सदस्यों को विगत 15 दिनों से गायब करवा रखा था, उन्हें स्वर्णकार धर्मशाला में रुकवाया गया है, जहां से बाउंसर की सुरक्षा में वाहनों के माध्यम से जनपद सभागार तक पहुंचाया गया है। यहां 11:15 से 12:15 तक नाम निर्देशन जमा करने का समय रखा था। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपनी ओर से अध्यक्ष की दावेदारी करने वाले उम्मीदवारों को लेकर जनपद कार्यालय पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जनपद कार्यालय के बाहर कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसे पुलिस द्वारा काबू किया जा रहा है। वहीं नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार सहित कई वरिष्ठ नेता भी यहां देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस की ओर से कैलाशीबाई लाभचंद्र जाट ने जनपद अध्यक्ष के लिए फॉर्म भरा है। वहीं भाजपा की ओर से शारदाबाई मदनलाल धनगर ने अपना नाम दाखिल किया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रीमती कैलाशीबाई लाभचंद जी जाट हमारी अधिकृत प्रत्याशी हैं और अभी उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। चुनाव एक प्रजातांत्रिक तरीके से होता है, लेकिन आप जैसा माहौल देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में, भोपाल में सरकार में, तीनों विधायक उनके, एक मंत्री सांसद, उसके बाद उनको ऐसा क्या डर है कि दो दो सदस्यों को 30-30 बाउंसर के साथ लाके और अंदर कार्यालय में भेज रहे हैं। तो उसका एक स्पष्ट का कारण ये है कि जो मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं। उनको येन केन प्रकार डरा धमका के किसी भी तरीके से लाके अपने कब्जे में कर रखा है। उनके परिवारजन उनसे मिलना चाह रहे हैं, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनका केवल ये उद्देश्य है कि उनको अपने कब्जे में रख कर डरा धमका कर उनके उम्मीदवार के पक्ष में वोट डलवाया जाए। निश्चित रूप से यह डर उनका जो है ये शो कर रहा है कि उनको कांग्रेस के उम्मीदवार से कितना डर है। इन सब हथकंडों के बाद भी मैं आज आपके चैनल पे दावे के साथ कहता हूँ, 2 बजे बाद फिर आपसे चर्चा करेंगे, कांग्रेस की हमारी उम्मीदवार जनपद अध्यक्ष के रूप में विजय कैलाशीबाई विजय होगी और बीजेपी के सारे हथकंडे असफल होंगे।